तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में फेस स्कैन का एक नया फीचर आया था एबीएस में, और यह फीचर स्पाइस पेनी में, पे नियर बाई में, अन्य एबीएस टोटल कंपनियों में आप लोगों को देखने के लिए मिला था। और बता दें कि इस फीचर के थ्रू हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक एबीएस ट्रांजेक्शन कर रहे थे। एबीएस ट्रांजेक्शन में कैश विड्रॉल का हो गया, बैलेंस इंक्वायरी का हो गया, मिनी स्टेटमेंट का हो गया। इवन हमारे कुछ ऐसे भी सीएसपी संचालक थे जो कि अपना डेली वेरिफिकेशन, यानी कि जो डेली मॉर्निंग में वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, वो फेस के थ्रू ही, फेस स्कैन करके ही कर रहे थे। लेकिन इस फीचर में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि आप इसमें मनचाहा यानी कि सभी बैंकों का फेस स्कैन के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। सभी बैंकों ने इसे अलाउ नहीं किया है। अभी मात्र 12 से 14 ही ऐसे बैंक हैं जो कि फेस स्कैन के थ्रू एबीएस ट्रांजेक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं, उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है। नहीं तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, ये सभी बैंकों जैसे बैंकों को अभी तक ये लाइसेंस नहीं मिला है, और न ही ये बैंक अभी तक अलाउ किए हैं कि एबीएस के थ्रू ग्राहक फेस स्कैन के माध्यम से विड्रॉल कर सके, एबीएस ट्रांजेक्शन कर सके। लेकिन देखिए यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फेस स्कैन भी काम कर रहा था, लेकिन 3-4 दिनों से कुछ एबीएस आईडी में एक एरर आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप लोग जो है कि बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, चाहे एबीएस ट्रांजेक्शन करने के लिए, चाहे आप लोग डेली वेरिफिकेशन करने के लिए, जैसे यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करके इसके बाद अपना जो है कि फेस स्कैन को सेलेक्ट करते हैं, तो आप लोगों को एक एरर फेस करना पड़ रहा है जिसमें यह लिख करके चला आता है एरर 904 फेल ड्यू टू नेटवर्क रिलेटेड इशू। ठीक है, हालांकि आपके फोन में भी नेटवर्क है, आपके फोन में डेटा भी है, ठीक है, फोन भी आपका रिचार्ज है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर नेटवर्क रिलेटेड का इशू आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यह इशू क्यों आ रहा है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और यह जो एरर है केवल आपके ही पोर्टल में देखने के लिए मिल रहा है या फिर दूसरे के भी पोर्टल में देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह के तमाम डाउट आप लोगों का इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं जो एरर कोड 904 का इशू आ रहा है, यानी कि फेल ड्यू टू नेटवर्क रिलेटेड इशू। तो यहां पर 904 का मतलब ये होता है कि नेटवर्क से दिक्कतें हैं जिसकी वजह से एरर यहां पर शो किया जा रहा है। तो 904 एक जो है कि एरर कोड है, ठीक है, जो कि यह शो करता है कि यहाँ पर नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन बता दें कि यहाँ पर नेटवर्क आपके फोन में दिक्कत नहीं है, आपके फोन के नेटवर्क से दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो कि स्पाइस मनी का जो फेस स्कैन का सर्विस है उसके नेटवर्क से दिक्कत है, उसके सर्वर से दिक्कत है, जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और आपका फेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पोर्टल में यह काम नहीं कर रहा है, फेस स्कैन का सर्विस काम नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनके पोर्टल में अभी ये काम नहीं कर रहा है, सिंपली यहाँ पर नेटवर्क रिलेटेड का इश्यू आ रहा है। अब बात करते हैं कि बेसिकली यह प्रॉब्लम आ क्यों रहा है, तो आप लोगों को मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए कोई भी चीजें जो कि इंप्लीमेंट जब की जाती हैं तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट होता है। जैसे कि बैंकों की भी बात करें तो कभी कभी बैंकों का जो है कि सर्वर में मेंटेनेंस होता है, तो जिसकी वजह से बैंक का सर्वर भी डाउन रहता है। तो ऐसे केस में अभी फेस स्कैन का जो सर्विस है इसमें कुछ ही सेलेक्टेड बैंक है, करीबन 12-14 बैंक है, ठीक है, जिसकी वजह से अभी इसमें इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बैंकों की जो संख्या है, ठीक है, इसे बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में एक और नया अपडेट आया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है, जिसके बाद आप लोग ग्राहकों का जो है कि केवल फेस स्कैन करके विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि कुछ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सुधार किया जा रहा है फेस स्कैन के सर्विस में, जिसके वजह से यहाँ पर अभी सर्वर डाउन चल रहा है, नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोगों को यह एरर शो कर रहा है, यह एरर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिनों के अंदर ही यह सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हमारे कुछ सीएसपी संचालकों को तो ऐसा लगता है कि केवल उनके ही पोर्टल में, उनके ही मोबाइल में यह देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे सीएसपी संचालकों के पोर्टल में देखने के लिए मिल रहा होगा। खैर, आपके पास यह एरर आ रहा है कि नहीं, आपके पास फेस स्कैन का यह सर्विस काम कर रहा है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।